हेलो गाइस, वेलकम टू मून बॉक्स रिव्यू चैनल। सो गाइस, आज आपके लिए हम बहुत ही मजेदार कमाल धमाल वीडियो। गाइस आप देख सकते हैं मेरे सामने दो किट्स रखी हैं जिनकी करेंगे आज हम गाइस कंपैरिजन, अप्सरा डिजाइनर किट और डोम्स पेंटिंग किट। सो गाइस, आप कौन सा ब्रांड यूज करते हैं स्टेशनरी में, डोम्स या फिर अप्सरा, आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके गाइस जरूर बताना। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर दो गाइस सब्सक्राइब और वीडियो कर दो गाइस लाइक। आज हमारे पास ये दो किट्स हैं गाइस, दोनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने गाइस एक दोनों का जो है अनबॉक्सिंग करा है और इनके अंदर के प्रोडक्ट की डिटेल बिल्कुल फुल डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है, जो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही साथ जो है कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, वहां से जो है इन दोनों किट्स की अलग अलग वीडियो आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों का कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए गाइस हम प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे, प्रोडक्ट कंपैरिजन भी। तो प्राइस कंपैरिजन के लिए मैंने पेन लिया है और एक ये है नोट, इसके ऊपर हम इसका प्राइस भी लिखेंगे। तो गाइस दोनों का जो है प्राइस जो होता है वो एमआरपी जो है 199 रुपीज दोनों की ही कॉस्टिंग है। और आप देख सकते हैं ये जो है हमारी डोम्स पेंटिंग किट है, इसे मैं उठाकर दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा है डोम्स पेंटिंग किट और इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है, और अप्सरा पेंटिंग किट इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान है। लेकिन अगर वेट की बात की जाए तो गाइस इसका वेट थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है इसके वेट से, यानी कि इसके अंदर सामान ज़्यादा है। तो फटाफट से हम एक एक करके देखते हैं गाइस क्या क्या निकलेगा इनके अंदर से सामान। तो हम सबसे पहले इन दोनों की ड्राॅइंग बुक निकालते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही ड्राॅइंग बुक होती है। तो यहाँ पर जो है हम तो गाइस सबसे पहले हम इसे डोम्स को खोल के देखते हैं। काफ़ी तगड़ी सील लगी हुई है गाइस, इसे खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन मैं इसे खोल ही दूंगा। तो ये गाइस खुल गई सील, और इसके सारे प्रोडक्ट्स मैं एक साथ बाहर निकाल लेता हूं गाइस आपके सामने रखने के लिए। तो ये गाइस हमारे पास आ गए हैं डोम्स के प्रोडक्ट, और ये रहा पूरा डोम्स का प्रोडक्ट। इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर 9 कंटेंट्स हैं, यानी कि टोटल 9 क्वांटिटी है एमआरपी 199। और इसके अंदर भी गाइस मैं दिखा दूँ आपको, इसको यहाँ पर पैकिंग कर देता हूँ साइड। यहाँ पर गाइस इसका भी जो है एमआरपी वगैरह शायद, हाँ इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वांटिटी है और 199 का है। तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ गाइस। तो गाइस दोनों की पैकिंग यहाँ पर रख दिया है मैंने, और दोनों की जो मटेरियल है वो यहाँ पर रख दिए हैं, दोनों के साथ क्या क्या मिला है तो हम एक एक करके कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों की ड्राइंग नोटबुक ये उठा लेते हैं। तो इसका नोटबुक ये रहा अप्सरा ड्राइंग नोटबुक, और ये जो है डोम्स की ड्राइंग नोटबुक। तो गाइस ये जो है इसमें मुझे ज़्यादा पेज लग रहे हैं, इसके कंपैरिजन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर हम इसके पीछे देख लेते हैं। इसके पीछे काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनी हुई है, और इसके पीछे जो है हमारी पेंसिल की ड्राइंग बनी हुई है। तो ये आप देखो गाइस प्राइस वगैरह देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो है डोम्स की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पर डोम्स का प्राइस कितना है, हाँ यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 35 रुपीज़, और इसके साथ जो है प्राइस आता है गाइस एमआरपी 80 रुपीज़। तो यानी कि अप्सरा की जो नोटबुक है ड्राइंग नोटबुक वो इससे ज़्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर गाइस 60 पेजेस हैं, और इसके अंदर गाइस हमारे पास कितने पेजेस मिले हैं हमें 32 पेजेस। यानी कि ड्राइंग नोटबुक की बात की जाए तो अप्सरा की ड्राइंग नोटबुक ज़्यादा पेज वाली है और इसकी कम पेज वाली है, और पेज की क्वालिटी देखें तो गाइस लगभग थोड़ी सेम ही है। लेकिन यहाँ पर देखो गाइस लगभग सेम ही लग रही है मुझे दोनों की क्वालिटी। तो यहाँ पर जो है हमारी अप्सरा की नोटबुक जीत गई, और आपको कौन सा विनर लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये हो गए, हम इसका प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 80 रुपीज़ नोटबुक के हो गए अप्सरा की, और डोम्स के हो गए गाइस 35 रुपीज़। एक कंपैरिजन हो गया गाइस हमारा, और उसके बाद अब जो है हम नेक्स्ट प्रोडक्ट को उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात की जाए ऑयल पेस्टल कलर की, तो यहाँ पर जो है दोनों की ही ऑयल पेस्टल यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन गाइस मुझे जो है ना डोम्स के ऑयल पेस्टल ज़्यादा बड़े लग रहे हैं अप्सरा के ऑयल पेस्टल से। तो मैंने इन्हें ओपन करके भी दिखा देना है आपको। ये है अप्सरा का ऑयल पेस्टल, और ये है गाइस डोम्स का। तो यहाँ पर दोनों को ही दिखाता हूँ, ये देखो गाइज। और गाइज हमारे पास डोम्स के साथ एक जो है, तो गाइज ये देखो ये है हमारे अप्सरा के ऑयल पेस्टल्स और ये हमारे डोम्स के ऑयल पेस्टल। इसकी जो क्वालिटी वाइज है ना फाइन है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी है गाइज,
और इनकी इससे ज़्यादा लंबाई भी है। और गाइस ये मुझे ज़्यादा साफ सुथरे लग रहे हैं अप्सरा के अगेंस्ट। और गाइस इसके पास हमारे इसके साथ जो है हमारे पास डोम्स के साथ जो है ना ये एक टूल भी मिला, लेकिन इसके साथ टूल नहीं मिलता। तो ऑयल पेस्टल में तो मेरे हिसाब से डोम्स विनर निकला और अप्सरा जो है इससे डाउन है। और इसकी क्वालिटी वाइज देखी जाए तो भाई बहुत ही फाइन क्वालिटी हमारी डोम्स की आ रही है अप्सरा के मुकाबले गाइस। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है गाइस कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो विनर इज डोम्स, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑयल पेस्टल कलर है गाइस हमें बता देना। अब इन दोनों की प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस देख लेते हैं गाइस। इसे पैक कर दूँ पहले मैं, तो यहाँ पर जो है दोनों की पैकिंग भी डोम्स की पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है गाइस और क्वालिटी वाइज। और इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह देखो गाइस कितने अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो जो है अप्सरा के ऑयल पेस्टल का प्राइस है 40 रुपीज़, और डोम्स का ऑयल पेस्टल की भी बात है तो यहाँ पर इसकी भी 40 रुपीज़ है। दोनों के ऑयल पेस्टल 40 रुपीज़ के, लेकिन गाइस डोम्स की जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। तो यहाँ पर 40 रुपीज़ हम लिख देते हैं। अब गाइस डोम्स की तरफ से हमें मिलता है कलर पेंसिल, और इसमें भी गाइस हमें मिलते हैं कलर पेंसिल। कहाँ गए कलर पेंसिल, ये है अप्सरा की कलर पेंसिल, लेकिन इसके अंदर 8 कलर्स मिले हैं हमें गाइस। और इसके अंदर जो है हमें मिले हैं 12 शेड्स है, लेकिन जो है पेंसिल 6 हैं। तो इसके अंदर हमारे 8 शेड्स हैं। तो दोनों को ही ओपन करके देखते हैं गाइस। ये हमारी अप्सरा की पेंसिल कलर और ये गाइस हमारे डोम्स की पेंसिल कलर। इसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा फाइन लग रही है डोम्स की, लेकिन अभी बाहर निकाल के देखते हैं गाइस। ये देखो ऑसम गाइस। और यहाँ पर लेकिन गाइस अप्सरा में क्या है कि एक हमारे शॉर्पनर प्लस में दिया गया है, और इनके जो शेड्स हैं वो हैं हमारे पास टोटल 8, और इसके जो शेड्स हैं गाइस वो है हमारे पास टोटल 12, क्योंकि 6 पेंसिल है और डुअल मोड में दिया गया है। और हाइट की बात की जाए तो लेंथ लगभग सेम ही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है गाइस मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है अप्सरा से पेंसिल कलर की क्वालिटी भी, क्योंकि इसके अंदर की निप जो है ना मुझे ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है पेंसिल कलर की। तो अप्सरा जो है गाइस मुझे जो डोम्स की पेंसिल कलर ज़्यादा बेटर लगे और अप्सरा का है सेकंड नंबर पे। तो गाइस आपके अकॉर्डिंग कौन सा विनर है, लेकिन गाइस यहाँ पर एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे अप्सरा को, यहाँ पर जो है साथ में शार्पनर भी दिया गया है। तो इसे अब वापस से हम पैक कर देते हैं अप्सरा को, अप्सरा पेंसिल कलर और ये गाइस हमारे डोम्स की पेंसिल कलर। लेकिन यहाँ पर गाइस हमारे पास 12 शेड्स बन जा रहे हैं 6 पेंसिल्स के अंदर ही, और यहाँ पर हमारे पास 8 शेड्स हैं। तो कंपैरिजन वाइज जो है हमारे डोम्स जो है वो विनर है। इसका जो MRP है वो गाइस 60 रुपीज़ का है, और गाइस इसका MRP अगर देखी जाए तो ये 40 रुपीज़ का। तो प्राइस जो है लगभग सेम है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस प्रोडक्ट कम है इसके अंदर ज़्यादा है। तो इसका 60 इसका 40, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं डोम्स वाले में 60 रुपीज़, यहाँ पर 40 रुपीज़। अब जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट को ओपन देख लेते हैं गाइस। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या कंपैरिजन करें, यहाँ पर गाइस हमारी पेंसिल्स, और यहाँ पर हमें कितनी पेंसिल्स मिली हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर हम पेंसिल की बात करें तो गाइस अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये पेंसिल हमें जो है अप्सरा के साथ 3 पेंसिल का एक बॉक्स मिलता है, लेकिन गाइस डोम्स के साथ जो है हमें पेंसिल मिली है ऑनली ऑन वो जो कि कार्बन पेंसिल है गाइस, लेकिन कार्बन सुपर डार्क वाली पेंसिल है यहाँ पर देखो। और इसके साथ भी जो है अप्सरा के साथ भी मुझे हाई क्वालिटी की पेंसिल्स मिली है यहाँ पर गाइस। ये देखो हमारे पास 3 पेंसिल डोम्स के मुकाबले हमें जो है अप्सरा की 3 पेंसिल्स मिली है, लेकिन ये जो है डार्क कार्बन वाली और ये नॉर्मल वाली जो पेंसिल होती है। लेकिन गाइस इसमें जो है अलग अलग बी की पेंसिल्स है, यानी कि जो है 2B, 4B और 6B। तो पेंसिल के मामले में गाइस मैं जो है अप्सरा को ज़्यादा नंबर दूंगा। आप किसे नंबर देंगे आप कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइस। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं अप्सरा की पेंसिल को, और यहाँ पर जो है हमारा डोम्स का पेंसिल। तो यहाँ पर इसका MRP 30 रुपीज़ है, और इसका जो है गाइस इस पर तो MRP लिखा नहीं, तो मैं 10 रुपीज़ ऐसे ही डाल देता हूँ। तो यहाँ हमने लिख दिया 30 रुपीज़ और यहाँ पर 10 रुपीज़। अब एक और प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर देते हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास 9 प्रोडक्ट को कंपैरिजन करना है हमें। तो अगर प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो अप्सरा में ज़्यादा प्रोडक्ट मिले हैं गाइस। और अब जो है हम वैक्स क्रियंस की बात करते हैं, तो वैक्स कलर ये है इसका। अब कलर की बात की जाए तो गाइस हमें जो है ना वैक्स कलर मिलता है अप्सरा की तरफ से, 16 जो है इसके अंदर शेड्स है। और गाइस ये अप्सरा की मुझे काफ़ी अच्छी शेड्स लगी, और इसकी क्वालिटी वाइज देखी जाए तो गाइस बहुत ही गदर कतई जहर क्वालिटी है गाइस इसकी और वैक्स कलर की। तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद है, और हमें जो है ना डोम्स किट में वैक्स कलर तो हमें मिला नहीं है गाइस। तो यहाँ पर जो है
हमारे तो ये तो हम मैंने वैक्स कलर आपको अप्सरा के दिखा दिया, अब इसका एक प्रोडक्ट हमें इस इधर से भी लेना पड़ेगा। तो ये जो है हम इसका कंपेरिजन इस पेंटिंग कलर से कर देते हैं गाइस। तो अगर हम वैक्स कलर 16 शेड्स है और पेंटिंग कलर में गाइस हमारे पास 12 शेड्स है, लेकिन पेंटिंग कलर को हम मिक्स करके और भी ज़्यादा शेड्स बना सकते हैं। तो 16 शेड्स इसके हैं और तो ये भी मान के चलो तो इन दोनों का कंपेरिजन सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका प्राइस जो है 35 रुपीज़ है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो हमारे पास डोम्स के साथ से आया तो 65 रुपीज़, यहाँ 35 यहाँ 65। तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसको रख देते हैं पेंटिंग किट को यहाँ पर गाइज। तो यहाँ पर हम अगर प्राइस लिख भी देते हैं तो अब जो है डोम्स में हमें 65 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है अप्सरा में 35 रुपीज़। अब जो है हम गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में गाइज हमारे पास एक ये यूज़ कर लेते हैं पेंसिल्स और इसमें कलर। तो यहाँ पर जो है गाइज हमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 जो है अलग से शेड्स मिली पेंसिल कलर की, और इसमें क्या फ़ायदा है कि गाइज 5 हमें जो है अलग से पेंसिल मिली है जो है नॉर्मल हमारी पेंसिल्स हैं ये गाइज देख सकते हो आप। और पीछे जो है इसमें जो है जॉइंट कर दिया है कलर को। और अगर हम डोम्स में बात करें तो डोम्स वालों ने हमें दिया है वाटर कलर जो कि 12 शेड्स के। तो इसकी जो एमआरपी है गाइस इस पे तो एमआरपी नहीं लिखा हुआ, इस पे एमआरपी लिखा हुआ 15 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है इसकी 15 रुपीज़ लिख देते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 25 तो कम से कम होनी चाहिए क्योंकि 5 रुपीज़ का एक पड़ेगा ये। तो हम यहाँ पर अप्सरा को 25 रुपीज़ देते हैं और यहाँ पर इसको जो है 15 रुपीज़ देते हैं डोम्स को। अभी टोटल ऐड कर लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ दिखना चाहिए ना। तो ए का हमारा हो गया 25 और डी का हमारा हो गया 15 रुपीज़। ओके गाइज ये प्रोडक्ट अप्सरा में, ये प्रोडक्ट अप्सरा में जो है ना गाइस क्वांटिटी तो 9 है, इसमें भी 9 है इसमें भी, लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है ना अंदर ज़्यादा है। अब अप्सरा के साथ जो है गाइस हमें एक किट मिल जाती है और गाइस अब जो है इसका जो प्राइस वैल्यू है वो है गाइस 25 रुपीज़। और इस किट के अंदर हमें गाइस क्या क्या मिला वो देखते हैं। इस किट के अंदर गाइस हमें देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, जैसे कि गाइस हमारा एक इरेजर, एक शार्पनर, 2 पेंसिल और गाइस एक स्केल। तो ये काफ़ी अच्छी किट है गाइस, इसका नाम है प्लेटिनम किट और इसका प्राइस एमआरपी दिया गया है 25 रुपीज़। तो पहले जो है डोम्स आगे चल रहा था, लेकिन गाइस अब जो है क्वालिटी और क्वांटिटी के मामले में जो है अप्सरा आगे चल रही है। तो यार अभी तक गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं और प्लेटिनम किट को। और जो है हम अगर इसकी बात करें तो डोम्स के साथ हमें जो है मिल जाता है एक ग्लिटर। तो यहाँ पर देख लो ग्लिटर में हमें 3 कलर के मिलते हैं ग्लिटर के शेड्स 1, 2, 3। वाओ गाइस काफ़ी अमेजिंग ग्लिटर है और इसकी जो एमआरपी है गाइस वो है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को 20 रुपीज़ और ये 25 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अप्सरा 25 और यहाँ पर 20। अब गाइस यहाँ पर जो है इरेजर और शार्पनर की बात की जाए, दो दो प्रोडक्ट दोनों तरफ बचे हैं। तो यहाँ पर जो है अप्सरा हमें जो है शार्पनर जो देता है अलग से, जो क्वांटिटी जिसकी लिखी जाती है शार्पनर की TDF शार्पनर, और जो है डोम्स हमें देता है ये नॉर्मल वाला शार्पनर जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग तो है, लेकिन गाइस अप्सरा में हमें एक शार्पनर और मिला था जो कि इस किट में है, और प्लस में एक और शार्पनर मिला था जो कि जो है हमारे पेंसिल कलर में। तो हमें जो है अप्सरा के साथ टोटल शार्पनर की बात कर ली जाए तो 1, 2, 3 3 शार्पनर मिल गए, और लेकिन डोम्स के अंदर हमें सिर्फ सिंगल शार्पनर मिलता है गाइस। और उसके बाद भी देखो गाइस जो अप्सरा की जो शार्पनर है वो देखो गाइस क्या क्वालिटी वाइज इसके अंदर ये इस तरीके से वेस्टेज वाला है, ये कुछ इससे अगर लेवल की बात करें तो इसका लेवल हाई होगा इस शार्पनर पे। और इसका MRP 5 रुपीज़ है तो ये अप्रॉक्स 15 रुपीज़ के लगभग आता होगा। और इसके अंदर एक चीज़ और है इरेजर, इरेजर गाइस यहाँ पर फिक्स है इस कंपार्टमेंट पे, तो इरेजर भी हमारे पास अब डोम्स के मुकाबले ज़्यादा मिल गई। तो इसका पल्ला भारी हो गया गाइस अप्सरा का 15 और यहाँ पर 5 रुपीज़। और गाइस अब इरेजर की बात की जाए तो जो क्वांटिटी में हमें मिली जो अलग से लिखा गया, तो जो हमें डोम्स देता है वो ये इस तरीके का पैकिंग वाला इरेजर देता है, और गाइस अप्सरा हमें देते हैं 3 इरेजर जो कि अलग से कलरफुल वाइज है। तो इसमें भी जो है अप्सरा जीती गाइस सेम MRP के अंदर। गाइस हमें जो है ज़्यादा प्रोडक्ट मिल गए अप्सरा के अंदर, लेकिन गाइस जैसे कि हमें इसमें वैक्स मिला और पेंसिल कलर मिले,
और इसके अंदर गाइज हमें वाटर कलर भी मिल गए और जो है ब्रश वाला वाटर कलर भी मिल गया गाइज। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें तीन तीन इरेजर मिल जाती हैं और इसके अंदर हमें एक इरेजर विद कवर मिलता है गाइज। तो ये देख लो, आप कंपैरिजन करके बताओ आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर लगी और किसके प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पर इसे रख देते हैं, इसका 10 रुपीज़, तो इसका भी 10, दोनों के 10 रुपीज़ लगाते हैं गाइज। आप जो है टोटल हम कर लेते हैं गाइज, 199 में इसमें कितने का सामान मिला और 199 में इसमें कितने का सामान मिला। तो डोम्स ये है और अप्सरा ये है, तो अप्सरा टोटल क्वांटिटी टोटल करते हैं 80, 40 और 40, 160, 30, 60, 65, 65, 235 और 25, 25, 50, 235 और 50, 285, 285 और 15, 310 रुपये जो है हमें अपसरा मिल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रोडक्ट के 310 रुपये की एमआरपी बनती है गाइस में। और वहीं अगर हम डोम्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इसके टोटल करेंगे यहाँ पर 310 रुपये हम जो है हमें डोम्स के मिले। 199 के प्रोडक्ट में हमें 310 रुपये का सामान मिल गया अपसरा के अंदर और उसमें भी गाइस काफी ज्यादा प्रोडक्ट मिले। और अगर हम डोम्स की बात करें तो 35, 40, 60 यानी कि 6, 4, 100, 145, 5, 150, 210 और यहाँ पर 20, 230 और 15, 5, 20, 240, 250 यहाँ पर जो है हमें 250। यानी कि गाइस अगर कंपैरिजन प्राइस वाइज बात कर जाए प्रोडक्ट, तो हमें जो है अप्सरा में प्राइस वाइज भी ज़्यादा एमआरपी के अकॉर्डिंग भी ज़्यादा सामान मिला और क्वांटिटी अगर देखी जाए तो भी क्वांटिटी में ज़्यादा सामान मिला। लेकिन गाइस अगर यूनिक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें यूनिक जैसे कि ग्लिटर मिल गया गाइस और डुअल साइड वाले पेंसिल मिल गए, वाटर कलर्स तो डिफरेंट, और ये पेंटिंग कलर गाइस मिल गया हमें, ये वाटर कलर केक और ये जो गाइस वाटर कलर पेंस। तो इसके अंदर जो है हमें तीन तरीके के कलर मिल गए गाइस, चार तरीके के कलर पेंसिल कलर और दो तरीके के वाटर कलर पेंस वाले और केक वाले और गाइस ऑयल पेस्टल। और इसके अंदर अगर हम कलर की बात करें तो गाइस हमें मिला है ऑयल पेस्टल और गाइस वैक्स कलर और गाइस पेंसिल कलर। तो गाइस आप दोनों को इन दोनों प्रोडक्ट्स में, आप लोगों को इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे फटाफट से कर दो गाइस कमेंट, वीडियो को कर दो गाइस लाइक और चैनल को कर दो गाइस सब्सक्राइब। और गाइस इन प्रोडक्ट्स में गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो वाओ उस प्रोडक्ट का नाम और आपका नाम कर दो कमेंट। तो गाइस सिंपली गिव अवे में कर लो पार्टिसिपेट। तो गाइस ये कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।